फ्रेंड्स, मैं अम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपने सिद्धार्थ सागर के कई सारे कॉमेडी एक्ट जरूर देखे होंगे। अगर आपको कॉमेडी देखना पसंद हो तो आपने इस एक्टर को कभी मिस नहीं किया होगा। वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर है सिद्धार्थ सागर। एज में कम जरूर है लेकिन टैलेंट में सभी का बाप हम इसे कह सकते हैं। जितने कॉमेडियंस थे, चाहे कॉमेडी सर्कस की बात करें, चाहे कॉमेडी क्लासेस जिसमें लास्ट नजर सिद्धार्थ सागर, सिद्धार्थ सागर एक ऐसी बला थे, आई मीन एक ऐसे कलाकार थे जो हर एक्टर्स पे भारी पड़ते थे। चाहे उनका मौसी जी वाला किरदार हो, बहुत फेमस हुआ था, चाहे उनका ये किरदार हो नसरुद्दीन शाह वाला, बहुत फेमस हुआ था। एक बहुरूपी, बोलते हैं बहुरूपी प्रतिभा के धनी जिसे हम कहते हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, वो है सिद्धार्थ सागर। लेकिन पिछले 4 महीने से ये सुनने में आया था कि सिद्धार्थ सागर जी गायब हो चुके हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ सागर गायब हो चुके। ये खबर सुनने में आई तो यार यकीन नहीं हुआ, दिल को ऐसा ऐसा दिल सहम सा गया। क्योंकि मैं आज भी YouTube पे कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ तो सिद्धार्थ सागर, कृष्णा अभिषेक और है ना, और सुदेश लहरी, इन सबके जो तीनों की कॉमेडी जो एक्ट्स है वो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तीन का तड़का, वो सब एपिसोड्स, और मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत फेमस बनता है ये बंदा और बहुत टैलेंटेड है। 13-14 साल की उम्र से ही ये मेहनत करने लगा। तो ऐसा क्या हुआ जो सिद्धार्थ सागर 4 महीने से लापता है? ये उसके बाद हाल ही में उसका एक उसने वीडियो कॉल किया, लोगों से हेल्प मांगी, आई मीन फेसबुक या किसी पर लाइव आया था, लोगों से हेल्प मांगी कि मैं परेशान हूँ उसको, या मुझे मेरी माँ परेशान कर रही है। अब जब ये सुनने में आया तो लोगों को समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ है। सिद्धार्थ सागर उसके बावजूद फ़ोन नहीं उठाए थे किसी का। बाद में पता चला कि सिद्धार्थ सागर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, यानी बहुत जल्द लेंगे। तो 1 तारीख को मीडिया को बुलाकर सिद्धार्थ सागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, लोगों को बताया कि क्या क्या उनके साथ हुआ था। और जो भी चीज़ें सिद्धार्थ सागर ने बताई उससे मेरा दिल टूट सा गया एकदम। मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसी कैसी चीज़ें हो सकती है, यानी कि हम जो कहते हैं ना यार, हमारी लाइफ में ही तकलीफें हैं, हमारे ही प्रॉब्लम है, हमें ही हर दिक्कत है लाइफ में। ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा पैसा होता है लोगों के पास उतनी ज़्यादा दिक्कत उनके पास हो सकती है। जरूरी नहीं कि पैसे नहीं तो दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। दिक्कत हर तरह से हो सकती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली दिक्कत है ना भाई, कहीं से भी हो सकती है। तो सिद्धार्थ सागर के केस में क्या हुआ जो सिद्धार्थ सागर ने खुद बताया, क्योंकि माँ का जो बिहेवियर था वो बहुत पॉजिटिव था उनके लिए, और ये कहीं गुरुजी के पास जाते थे कुछ बोलते ना मेडिटेशंस करने, वो सब करने, तो उनकी माँ को लगता था कि ये वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सन्यासी हो जाएगा, पूरा मोह माया छोड़ देगा, त्याग देगा ये दुनिया, कुछ नहीं करेगा, सन्यासी बन जाएगा। तो सिद्धार्थ सागर ने कहा कि उन्हें बायपोलर डिसऑर्डर की गोलियां दी जाती थी कई महीनों तक, और जो इनको भी नहीं पता था। बाद में जब इनका मूड स्विंग होने लगा, उस समय ये कॉमेडी क्लासेस कर रहे थे, मतलब 1-2 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की शायद। और तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। उसके बाद में जब इनको पता चला कि उनको ऐसी गोली दी जा रही है, तो वो बहुत सदमे में आ गए, क्योंकि उनकी माँ देती थी उनको गोलियाँ। और साथ ही सिद्धार्थ सागर ने कहा कि उनके माँ और बाप अलग रहते हैं 20 सालों से, और सिद्धार्थ सागर ने भी कहा कि वो चाहते थे कि उनकी माँ वापस खुश रहे। तो आई थिंक किसी के उनकी माँ का किसी के साथ आई थिंक रिश्ता भी चालू था। और तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, मैं हर चीज़ें तो यहाँ पे खोद खोद के नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, जो बंदे से उनकी माँ का रिश्ता चालू था उसने सिद्धार्थ सागर को रात को 12 बजे घर से निकाल दिया। उसके बाद 2 दफ़ा मेंटल मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उसके बाद मारा पीटा, क्या क्या हुआ, मतलब इनके साथ पूरी स्टोरी ना, बहुत ट्रेजिक। आप चाहिए तो मैं आप देख सकते हो, वीडियोस मिल जाएंगे आपको लेटेस्ट में 1-2 दिन पहले। लेकिन कहने की बात मेरे ये है कि अभी इस बंदे के पास एक भी रुपया नहीं है। वो तो सही बात है, टैलेंट है, वो इनको वापस ऊपर ले जाएगा, लेकिन जो इनकी स्टोरी मैंने जब देखी पूरा 50 से 52 मिनट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मेरे यार होश उड़ गए। मुझे लगा यार कैसा हो सकता है यार, ये एक बंदा जिसने इतनी दुआएं ली लोगों की, हंसा 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 के लोगों को पागल कर दिया, सभी बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, जो भी शो में आया, सबने बोला कि भैया तू बहुत आगे जाएगा, तू बहुत टैलेंटेड है। और वो बंदे की ऐसी हालत हो गई है, कुछ ऐसी शक्ल हो गई है, पूरी की पूरा चेहरा उतर गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगे। मतलब पूरी तरह तो नॉर्मल नहीं है, ये साफ है। अभी कोई संस्था है, उन्होंने
वहां पर जब एडमिट करवाया गया था जो सोच के, तो वहां से सिद्धार्थ सागर को लोग ने बचाया है, संभाला है, बचाया की बात नहीं, संभाला है, ट्रीटमेंट अच्छी तरह से चालू है, सिद्धार्थ सागर फिलहाल वहां पे सेफ एंड फाइन है। और हम यही दुआ करते हैं कि सिद्धार्थ सागर जल्द ही मौसी जी, नसरुद्दीन शाह, बाकी जो भी रोल करते हैं वो वापस उसी तरह करे, और खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो जैसे सिद्धार्थ सागर के साथ हुआ है। उनके पास पैसे नहीं, कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ चाहा था कि प्यार उनकी माँ का मिले, उनकी माँ खुश रहे वापस से। तो सिद्धार्थ सागर ने ये ब्लेम किया है कि उनकी माँ और बाप इस चीज़ के जिम्मेदार है जो चीज़ें मैं फिलहाल गुजर रहा हूँ। यानी कि ये होता है जब शादी होने के बाद माँ बाप अलग हो जाते हैं, एक बच्चे के ऊपर क्या बीतती है वो इस बंदे के साथ बीती है, बहुत बहुत गलत है। जिस इंसान को अपने माँ का या बाप का सहारा ना मिल सके, वो इंसान की जिंदगी क्या बचेगी? और जो माँ बाप को इतना मानता हो, जो उनकी खुशी के लिए पैसे दे देता था, कुछ नहीं छोड़ता था, आपको जो चाहिए लेके जाओ, मैं पूछता तक नहीं था क्यों पैसे चाहिए, कितने लाख चाहिए, कुछ नहीं पूछता था, भैया ब्लैंक चेक पे साइन कर दे, वैसे बंदे, और आज परेशान है। नहीं, मैं ये कुछ व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इन्हें बहुत सालों से देखता है, उनके वीडियोस, और बहुत मानता हूँ। और ये अब कहे कि मैं इनका फैन हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल मैं इनका फैन हूँ, क्योंकि इनकी कॉमेडी लाख दर्जे की अच्छी कॉमेडी है, बाकी कॉमेडियन से मैं ये कह सकता हूँ। आपकी क्या राय है सिद्धार्थ सागर के बारे में? और हो सके तो इनका एपिसोड देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा। और हम यही चाहते हैं कि वापस से ये आए, इन्होंने खुद कहा कि वो बहुत जल्दी वापसी करेंगे। ठीक है, वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।